हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। मैं हूँ आपका दोस्त ग्रेवल जसानी और आप देख रहे हैं ग्रेवल आर्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैनवास को बिना फ्रेम के कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं या फिर बिना आर्टबोर्ड के कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैनवास स्ट्रेच करने के लिए विदाउट फ्रेम, जो कि लकड़ी की फ्रेम आती है या फिर हार्डबोर्ड की बजाय भी आप इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे स्ट्रेच करता है करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें इसको स्ट्रेच करने के लिए मैंने सबसे पहले इसे काट लिया है बुकरम क्लॉथ जो कि आता है, और कैनवास बोर्ड कैसे बनाते हैं वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन में भी ऊपर मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत होगी ये एक टुकड़े की, जो कि ये रहा बुकरम क्लॉथ का। और यहाँ पर आगे जो चीज़ चाहिए होगी वो है मास्किंग टेप, आप देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसे स्ट्रेच करने के लिए मास्किंग टेप और कटर का यूज़ करेंगे मास्किंग टेप को काटने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे करके टुकड़े मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बहुत ही प्रेशर देके लगाना है फ्रेंड्स, ताकि हिले नहीं अपनी जगह से, ठीक है। उसके बाद एक और टुकड़ा करेंगे, उसे भी आपको यहाँ पे लगाने के बाद इसे ऐसे खींच के लगाना है। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेच हुआ थोड़ा सा। तो ऐसा ही हम इस साइड करेंगे, और इस साइड भी बिल्कुल उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में। तो देख सकते हैं इतना हिस्सा स्ट्रेच हो चुका है। तो और अभी हम इसके चारों कोनों को करेंगे स्ट्रेच। तो देखिए, तो देखिए ये पूरा स्ट्रेच हो चुका है। तो ऐसे ही करके हम इस वाले साइड के कोने को भी स्ट्रेच कर देंगे। तो देखिए हो चुका है, और ऐसे ही करके हम सारे कोने कवर कर लेंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसके बॉर्डर्स को भी कवर्स कर लेंगे। और ये टुकड़ा मैंने लिया है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का, आप कोई भी साइज का ले सकते हैं।
मैंने पेंसिल से सबसे पहले इसका ड्रॉ कर लिया था 15 सेंटीमीटर का हिस्सा, तो आपको भी ऐसे ही करना है गाइस। और ये हाँ जो कम पड़ गया था उसे भी मैं लगा दूंगा। और फ्रेंड्स इसके बाद हमें जो ये हिस्सा है इसे काट लेना है। और इसे काटते वक्त ध्यान रखिएगा गाइस कि आपका कैनवास ना कट जाए, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। देखिए तो फ्रेंड्स देख सकते हो मैंने काट लिया है ये सभी हिस्से, तो देख सकते हैं बीच का जो पार्ट हो गया है तैयार, उस पर हम अभी ड्राइंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं इस पर ड्राइंग करके आपको दिखाऊंगा कि इस पर ड्राइंग हम कर सकते हैं एक्रेलिक की मदद से कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसे आर्ट रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।